वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के आया हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है होम बेस वर्कआउट। ये आपने काफ़ी ज़्यादा देखी होगी। तो यहाँ पर आज मैं भी आपके लिए होम बेस वर्कआउट लेकर के आया हूँ, तो जिसको आपको घर पर परफॉर्म करना होगा। सिंपल सी बात है, होम बेस वर्कआउट है। तो यहाँ पर आज हम सबसे पहले करेंगे ट्राइसेप का वर्कआउट। तो धीरे धीरे हम सारे बॉडी पार्ट्स कवर करेंगे एक एक करके। तो बेसिकली यहाँ पर हम ट्राइसेप करेंगे। ट्राइसेप हमारा ये वाला पोर्शन, तो पीछे के साइड से हमें दिखता है ये वाला एरिया। तो ट्राइसेप आज हम कवर करेंगे, तीनों मसल्स होंगे उसमें कवर। तो सबसे पहले जो वर्कआउट है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ किस टाइप से होगा। तो देखिए, जो भी मैं फ्रेंड्स आपको तीन या चार जो भी जितनी मैं आपको एक्सरसाइजेज बताऊंगा, उनको आपको एक सर्किट में बना के चलना होगा। सर्किट यानी जैसे कि एक आपने ये करी, फिर उसके बाद सेकंड दूसरी करी, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोज ग्रिप पुशअप, फिर मैंने आपको बोली बेंच डिप्स टाइप की। तो कुछ इस टाइप की एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगा, और भी कुछ नई नई एक्सरसाइजेज भी हैं जो मैंने आपके लिए बनाई हैं, वो आप चेक करिएगा अभी। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो मैं यहाँ फिलहाल अभी छत पे हूँ। तो एक्सरसाइज क्या करनी होगी, जो सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारी क्लोज ग्रिप पुशअप। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली एक्सरसाइज आपने काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी, क्योंकि क्लोज ग्रिप पुशअप एक काफ़ी कॉमन एक्सरसाइज है, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत ही अलग से है। लेकिन जो मैं सर्किट आपको बताऊँगा वो काफ़ी हटके होगा, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा सर्किट होगा ये एक्सरसाइज का। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से होती है क्लोज ग्रिप पुशअप। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ करना है इस तरफ से होगा। हाँ, मैं पहले स्लीपर से आपको कुछ करना है इस तरह से होगा, जो दोनों आपके हाथ हैं इनको क्लोज रखना होगा, शोल्डर के बराबर आप रख सकते हैं, जैसे शोल्डर है उनके सामने आप इनको रख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा और भी क्लोज आप इनको करना चाहे कर सकते हैं। दो तरह की इसमें ग्रिप होती है, जैसे कि एक ये वाली ग्रिप होती है और एक इस तरह से ग्रिप होती है, जैसे आपकी विश आप ऐसे रख सकते हैं। तो मैं फिलहाल ऐसे करके यूज़ करूँगा शोल्डर के लेवल पे, जैसे शोल्डर है इसके सामने रख सकते हैं, डाउन अप डाउन अप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज आती है वो है कुछ पुशअप टाइप में ही है, लेकिन उसमें एक मैंने छोटा सा वेरिएशन ऐड करा है। इस एक्सरसाइज का मेरे को प्रॉपर नाम नहीं पता, लेकिन मैंने इसको खुद से एक तरह से समझिए ट्राई करा था। तो इसको करना होगा हमें ब्रिक्स से, कुछ इस तरह से है कि जैसे हम पुशअप लगाएंगे और साथ में हमें किक बैक करना होगा। तो वो कैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हमें इनको लेना होगा, जो दोनों ब्रिक्स हैं। तो इनको करना क्या होगा, जैसे कि अभी जो हमने इससे पहली वाली एक्सरसाइज करी थी पुशअप, उनमें जो हिसाब से हमने पुशअप की मतलब जो हैंड की प्लेसमेंट रखी थी अपने शोल्डर्स के सामने, जैसे शोल्डर है, हाथ इन्हीं के एकदम एग्जैक्ट सामने रहेंगे, ना ऊपर ना नीचे, एकदम एग्जैक्ट इन्हीं के सामने आपके ये जो पाम्स हैं यहाँ रहेंगे। तो ये जो आपकी ब्रिक्स हैं इनको भी सेम उसी पोजीशन में प्लेस करना है। और फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। और करना कैसे होगा एक बार देखिए, इसको आपने सबसे पहले ब्रिक्स को अपने वही शोल्डर्स के सामने रखा, इन दोनों को ये आपने रखा, और फिर पुशअप पोजिशन में आपको नॉर्मल आना है, जो भी आप पुशअप करते हो उस हिसाब से पोजिशन में आना है आपको। बैक स्ट्रेट करिए आपने एकदम टाइट, पोस्चर आपने करेक्ट करा, फिर डाउन अप अप किक डाउन अप। तो फ्रेंड्स, याली जो एक्सरसाइज है ये, जैसा कि मैंने अभी आपको इनसे करके दिखाई ब्रिक्स है, तो ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। इसको आप करेंगे, आपके जो ट्राइसेप का लॉन्ग हेड है, ये जो नीचे वाला एरिया आपको दिखता है, इस पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आएगा। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, क्लोज ग्रिप पुशअप वैसे भी पूरे आपके ओवरऑल ट्राइसेप पे वर्क करता है, और ये जो है ये ब्रिक्स है जो आप किक बैक करोगे। जो भी जिम जाते हैं उनको ये एक्सरसाइज पता होगा, ट्राइसेप किक बैक जो होती है, तो ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे पूरा का पूरा आपके लॉन्ग हेड पे ही इंपैक्ट आएगा। और भी फ्रेंड्स, जैसे कि जो भी बिगनर होते हैं वो इसको किस तरह से कर सकते हैं, मान लो जो डायरेक्ट ऐसे नहीं कर पाते, उनको किस तरह से करना होगा, उनके लिए भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ किस हिसाब से करेंगे वो। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारी एक्सरसाइज आती है वो है हमारी पार्शल ट्राइसेप डिप्स, जो कि हमको करना होगा फ्लोर पे। पार्शल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम फ्लोर पे कर रहे हैं तो हमारा रेंज ऑफ मोशन फुल नहीं होता है, हम हाफ जा रहे हैं,
और पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको पार्शल कहेंगे। तो जल्दी से आप देख लेते हैं इसको परफॉर्म कैसे करेंगे। सबसे पहले सेम आपको शोल्डर लेवल पे इन दोनों ब्रिक्स को प्लेस करना है, नहीं तो शोल्डर लेवल से आप थोड़ा सा बाहर भी प्लेस कर सकते हो अपने शोल्डर के कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के जो शोल्डर होते हैं वो इतने फ्री नहीं होते तो उनको पेन होने लगता है यहाँ पे, तो उसके लिए आप इसको शोल्डर से थोड़ा सा बाहर रख सकते हो ताकि आपकी एल्बो जो है अच्छे से बाहर आराम से बाहर निकल सके, ऐसे आप पीछे जाएंगे। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ किस हिसाब से करना है। इस हिसाब से आपको रेडी होना है, पैर आपको आगे कर लेने हैं, हल्के से बेंड रहेंगे पैर आपके, तो इस हिसाब से जैसे कि आप देख सकते हैं पैर इतने बेंड है। बैक स्ट्रेट रखना है, दोनों हाथ इस पे रखेंगे और चेस्ट अप, यहाँ से आपको अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपने अभी ये एक्सरसाइज देखी मैंने जैसे करके दिखाई, तो आपको देखने में तो ये बहुत इजी लग रही होगी, लेकिन जब ये जो आप सर्किट अभी करेंगे इन तीन एक्सरसाइज का नॉन स्टॉप आपको करना होगा, मैं अभी आपको पूरा एंडिंग में टोटल में बताऊंगा आपको कितने कितने करने होंगे सारी चीज़ें, आपको डेमोस्ट्रेट करके बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स ये तो थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज, तो चलिए अब मैं आपको जल्दी से टोटल बताया था आपको कितने के हिसाब से करना है। तो आपका ट्राइसेप वर्कआउट कम्प्लीट होता है, तो चलिए जाते जाते जान लेते हैं कि आपको कितने सेट और कितने रेप्स इसके करने होंगे टोटल, ताकि आपका एक ट्राइसेप वर्कआउट अच्छे तरीके से कम्प्लीट हो जाए और एक आपको अच्छा पंप मिले। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहली हमारी एक्सरसाइज थी वो थी हमारी क्लोज ग्रिप पुशअप, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था करके पूरे अच्छे तरीके से परफॉर्म करके। तो उसमें आपको करना क्या होगा, आपको उसको 10 लगाने होंगे, 10 बहुत ही बड़ा नंबर होता है, अगर आपको लग रहा हो कि कम है तो आप करके देखिएगा, जो भी बिगनर है उनके लिए काफ़ी टफ एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि क्लोज ग्रिप पुशअप लगाना, क्योंकि एक यहाँ पर छोटी सी हमारी मसल होती है उसके पूरे ले करके उस पर पूरा हमारा बॉडी वेट जब उठता है तो ये वाली मसल का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए 10 आप लगाएं स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो थी हमारी यहाँ पे पुशअप ट्राइसेप किक बैक, जो मैंने अभी ब्रिक से परफॉर्म करके दिखाई थी, किक बैक भी मैं कर रहा था। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको कितने करने होंगे, ये भी थोड़ी सी टफ एक्सरसाइज है, काफ़ी थोड़ी सी नई एक्सरसाइज है, क्योंकि तो इसमें भी आपको कैसे करना होगा, इसके भी आपको 15 लगाना होगा, यानी कि जैसे आप कर रहे हैं 1 पुशअप और 1 टाइम किक बैक, फिर 1 पुशअप, फिर दूसरे साइड किक बैक, तो दोनों साइड काउंट होगा 1 2 3 4, ये हिसाब से आपको काउंटिंग करनी होगी, यानी कि 1 1, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा जब आप थोड़े से एडवांस हो जाए, तो आप इसको परफॉर्म करिएगा दोनों साइड 1 काउंट करिएगा, जैसे आपने इस साइड करा तो 1, दूसरी साइड करा तो भी 1, और जब एडवांस हो जाए तब ऐसे करिएगा, अगर आप बिगनर हैं तो आपको 1 2, इस हिसाब से आपको काउंटिंग करनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी थर्ड और लास्ट एक्सरसाइज आती है वो है हमारी पार्शल बेंच डिप्स, जो कि ट्राइसेप की एक्सरसाइज है एक, और ये सारी की सारी एक्सरसाइज लॉन्ग हेड की है। तो इसको क्या करना होगा, आपको इसको ट्राई करना होगा फेलियर तक जाने की, फेलियर में आप फिर भी टारगेट कर सकते हैं 25 रेप्स, ठीक है, 25 रेप्स मैंने आपको जैसे बता दिया, आप कोशिश करिए वहाँ तक पहुँचने की, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके आर्म्स बहुत ज़्यादा फूल चुके होंगे, तो वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके क्योंकि, तो इसीलिए आप इसको 25 रेप्स लगाएं, फिर उसके बाद नॉन स्टॉप आपको टोटल जो आपका सर्किट है जो मैं आपको बताया है इसको आपको नॉन स्टॉप करना होगा कम से कम 3 राउंड आपको करना होगा, तब आपको जा करके एक अच्छा ट्राइसेप का पंप आएगा, और ये ज़्यादा देर की नहीं है, अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये आपका 10 मिनट्स लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे और आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा, बहुत ही अच्छा पंप आएगा, तो ये जो आपको जैसे मैंने बताया तो ये 1 राउंड होगा आपका, तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे, जैसे कि आप फर्स्ट डे कर रहे हैं तो आप अराउंड 3 राउंड इसको लगाएं, कम से कम 15 से 20 मिनट इस एक्सरसाइज को, ये इस पूरे सर्किट को परफॉर्म करें, तभी आपके बॉडी में ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि अगर आप जैसे कि जब भी स्टार्ट कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपकी बॉडी जब भी घर पे कर रहे होते हैं तो बॉडी इतनी रिलैक्स होती है कि उसको कंफर्ट जोन से निकालना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए आपको इस हिसाब से कुछ परफॉर्म करना होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ।